क्या सीखूं, रिएक्ट या फिर एंगुलर? तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि किससे जो है आप ज्यादा अर्न कर सकते हैं। आपको रिएक्ट सीखनी चाहिए या फिर आपको एंगुलर जेएस सीखने चाहिए। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये पता चलेगा कि आपको क्या सीखना चाहिए, और आपको ये पता चलेगा कि आप किससे ज्यादा अर्न कर सकते हैं, और आपको ये पता चलेगा कि कौन सी चीज ज्यादा आसान है और कौन सी चीज जो है वो ज्यादा, मतलब मुश्किल तो नहीं, डिफिकल्ट है। तो मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप सब कुछ, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आपने जो है वो HTML सीखी, CSS सीखी, JavaScript सीखी, ये तीन चीजें सीखी, अब आप सोच रहे हैं कि मैं कोई फ्रेमवर्क सीखना चाहता हूँ। ये काम अगर आपको वेबसाइट बनानी हो तो वो आप वनीला जावास्क्रिप्ट के हेल्प से भी कर सकते हैं, HTML, CSS एंड देन जावास्क्रिप्ट। लेकिन आप चाहते हैं कि मैं फ्रंट एंड के लिए कोई फ्रेमवर्क सीखूं, रिएक्ट या फिर एंगुलर, अब मैं क्या सीखूं इन दोनों में से, आप आइडिया लेना चाहते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप डायरेक्टली जो है जावास्क्रिप्ट के बाद अगर फ्रेमवर्क सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले आती है रिएक्ट, फिर आती है एंगुलर। अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये गलत है या ये गलत है, आपको ये नहीं सीखनी चाहिए, वो आपकी मर्जी है, आप जो मर्जी सीखें, मैं आपको गाइड कर सकता हूँ अच्छे से। अच्छा, तो सबसे पहले रिएक्ट की बात करते हैं। रिएक्ट जो है वो फेसबुक के दोबारा मेंटेन किया जाती है, और एंगुलर जो है वो गूगल के दोबारा मेंटेन की जाती है। तो अब फेसबुक ने बनाई है रिएक्ट और गूगल ने बनाई है एंगुलर। अब इसमें चीजों में क्या डिफरेंस है? अब अगर आप रिएक्ट पर आते हैं तो रिएक्ट में जो है वो इतनी मुश्किल नहीं है। अगर आप डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट के बाद रिएक्ट के ऊपर आते हैं तो रिएक्ट में जो है आपको सिंपल जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट्स अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए। जावास्क्रिप्ट 80% यूज होती है रिएक्ट के अंदर। रिएक्ट के अंदर आप जावास्क्रिप्ट ही लिखेंगे, रिएक्ट के अपने कुछ थोड़े से कॉन्सेप्ट्स हैं वो बस आपको क्लियर होने चाहिए, वो आपको मैं सिखा दूंगा इस चैनल के ऊपर, बस आपको वो क्लियर होना चाहिए, बस आप जो है वो रिएक्ट के ऊपर इजीली काम कर सकते हैं। और एंगुलर में क्या होता है, एंगुलर में जो है वो आपको टाइपस्क्रिप्ट सीखनी पड़ती है, और उसके जो है अपने स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट्स हैं आपको वो सीखने पड़ते हैं। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि एंगुलर आप सीखें या रिएक्ट सीखें, वो आपकी अपनी मर्जी है, मैं आपको अच्छे तरीके से गाइड कर रहा हूँ। अब रिएक्ट में जो है वो चीजें आसान हो जाती हैं, एंगुलर में जो है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती हैं, थोड़ी सी मुश्किल हो जाती हैं। तो आपको जो है वो स्टेप अगर आप लेना चाहते हैं जावास्क्रिप्ट के बाद, तो मैं जहां तक कहूंगा, मेरा जहां तक ख्याल है, आपको रिएक्ट सीखनी चाहिए पहले। और अब बात आती है राउटर की। अब ये राउटर क्या होता है? राउटर दोनों में होता है, एंगुलर में भी होता है, रिएक्ट में भी होता है। तो राउटर क्या होता है? राउटर एक पेज से दूसरे पेज पे जाना बिना पेज को रिलोड किए, उसे राउटर कहते हैं। अब ये इसका मतलब क्या है, एक पेज से दूसरे पेज पे जाना बिना पेज को रिलोड किए? इसका मतलब ये है कि भाई सिर्फ कंपोनेंट्स जो होते हैं, आप ऊपर नए पर देख रहे होते हैं होम अबाउट जो भी है, हम अबाउट पर क्लिक करते हैं तो अबाउट सेक्शन आ जाता है विदाउट पेज रिलोड किए। रिएक्ट के अंदर भी कर सकते हैं और एंगुलर के अंदर भी कर सकते हैं, सिर्फ आपका जो कंटेंट होता है नीचे वो चेंज होता है, बाकी पेज रिलोड नहीं होता, सारे के सारे कंटेंट चेंज होते हैं सिर्फ। तो ये राउटर जो है वो रिएक्ट में भी होता है और राउटर जो है वो एंगुलर जेएस में भी होता है। तो अब इसमें जो है एंगुलर में जो है राउटर का जो सेटअप है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, मतलब आपको जो है वो चीजें अलग से इंस्टॉल नहीं करनी पड़ती, आप जो है ये काम एंगुलर में ज्यादा आसानी से कर सकते हैं एज कंपेयर टू रिएक्ट जेएस। तो आप जो है ये जो राउटर है इसको इजीली यूज कर सकते हैं एंगुलर जेएस के अंदर। अब रिएक्ट में क्या होता है? रिएक्ट में भी सेम चीज होती है, राउटर तो होता है लेकिन आपको उसको अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है। अब अलग से इंस्टॉल का मतलब ये कि आपको रिएक्ट के अंदर जो भी पैकेजेस यूज करने हैं आपको उसको अलग से इंस्टॉल करना पड़ेगा एनपीएम के दोबारा। तो ये चीज होती है रिएक्ट के अंदर, और एंगुलर में ऑलरेडी सेटअप दिया होता है, आप जो है आपको सिंपल बस यूज करना होता है। तो ये चीज जो है वो रिएक्ट में थोड़ी सी जो है वो मुश्किल हो जाती है,
और एंगुलर में जो है ये चीज आसान हो जाती है। तो मैं आपको दोनों चीजों में जो है वो डिफरेंस बता रहा हूँ कि किसमें क्या चीज जो है वो मुश्किल होती है और क्या चीज जो है वो आसान होती है। तो अब बात करते हैं कि भाई स्किल है जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, मार्केट में है वो डिमांड कर रही है, डिमांड बढ़ती जा रही है, काम करने वाले काम और काम जो है वो ज्यादा है। तो अर्निंग आप अच्छी खासी कर सकते हैं, आप रिएक्ट सीखें या एंगुलर सीखें, तो अर्निंग जो है वो रिएक्टिंग बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा डिमांड है रिएक्ट डेवलपर्स की भी और एंगुलर जेएस के डेवलपर्स की भी काफी डिमांड है। तो ये जो है वो मैटर नहीं करता आप रिएक्ट सीखें या एंगुलर सीखें, अर्निंग इसके ऊपर मैटर नहीं करती, आप रिएक्ट भी सीख सकते हैं, आप एंगुलर भी सीख सकते हैं। मैंने आपको डिफरेंसेस बता दिए किस में क्या चीज जो है वो मुश्किल होती है और किस में क्या चीज जो है वो आसान होती है। तो आई होप ये वीडियो हेल्पफुल था आप लोग के लिए। अब आपको समझ में आ चुका होगा कि आपको क्या सीखना चाहिए, रिएक्ट सीखनी चाहिए या फिर एंगुलर सीखनी चाहिए। इन दोनों की जो डॉक्यूमेंटेशन है वो भी बहुत कमाल की, आप पढ़ेंगे तो आपको मजा आ जाएगा। अगर आप एक बिगिनर हैं, स्टार्ट लेना चाहते हैं रिएक्ट या एंगुलर से, अभी आप HTML, CSS और JavaScript सीख कर अगर आए तो आपको पता चल चुका होगा कि आपको क्या सीखने चाहिए। तो वीडियो हेल्पफुल था तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।